नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कभी अगर आपको चोट लग जाए या आपके पैर में मोच आ जाए या आपके पेरेंट्स को, आपके दोस्तों को कभी अचानक से मोच आ जाए पैर के पंजे में, तो हम कैसे उसको बिना किसी गोली दवा के घर बैठे ठीक कर सकते हैं। मोच के बारे में आप सब जानते हैं। मोच अचानक से हमारे पैर मुड़ने की वजह से हमें मोच आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स और जो लिगामेंट्स होते हैं वो खिंच जाते हैं और हमें उस एरिया के अराउंड सूजन और दर्द होने लगता है। तो कारण तो आपको पता चल गया, अब कारण क्या हो सकता है? और अगर हम कारणों की बात करें, और क्या कारण हो सकता है? कभी सीढ़ियाँ, जब हम जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरते, एकदम से हमारा पैर मुड़ गया, हम ड्राइव कर रहे हैं, एकदम से हमारे ब्रेक लगाए और हमारी गाड़ी का लोड हमारे पंजे पे आ गया, तो इस वजह से भी कई बार मोच आ जाती है। कई बार जिम में एक्सरसाइज करते वक्त हमें झटका आ जाता है। जिम वाले लोगों के लिए बहुत कॉमन है, जो लोग जिम जाते हैं एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए बहुत कॉमन है एंकल जर्क होना, एंकल में मोच आना। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। सबसे पहला सिम्टम्स है सूजन। जब भी आपको एंकल के अराउंड मोच आएगी, आपके टखने में जब भी मोच आएगी, आपका पूरा एंकल स्वेल हो जाएगा, सूज जाएगा, आपका फुट भी सूजने लगेगा। जो सूजन होती है वो इतनी बढ़ जाती है कि आपका पूरा पंजा होता है ना, सूज जाता है, बहुत मोटा, इतना मोटा सा हो जाता है सूज के। अब नेक्स्ट बात करें, आपको दर्द होगा बहुत ज़्यादा। आपको चलने में, जब भी आप उठकर चलने की कोशिश करेंगे ना, आपकी चाल ही बदल जाएगी, आप लंगड़ा के चलने लगेंगे, आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। अब और क्या होगा, आपको कोई भी चलने फिरने की एक्टिविटी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा दर्द होगा क्योंकि आपको। और क्या हो सकता है, आपकी मूवमेंट अफेक्टेड हो जाएगी। तो ये कुछ नॉर्मल से सिम्टम्स है, यही होगा, पेन होगा, दर्द होगा, सूजन होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करें ट्रीटमेंट की। बहुत सिंपल तरीका है, आप किसी को भी एडवाइस कर सकते हैं, आप खुद भी एक बार इसको अप्लाई करके देखना। जब भी आपके मोच आए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक आइस क्यूब लेना है। आइस क्यूब को लेके हमें क्या करना है, जिस भी एरिया में हमारे स्वेलिंग आ रही है, चाहे वो एंकल के अराउंड हो चाहे पूरे पंजे पे हो, हमें आइस क्यूब को लेके कपड़े में रख के डायरेक्टली बिल्कुल भी नहीं अप्लाई करना है। कपड़ा लेंगे, उसमें आइस क्यूब रखेंगे और धीरे धीरे हाथ से हमें मसाज करना है। 10 से 15 मिनट की मसाज करेंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है। दिन में 2 से 3 बारी हमें मसाज करनी है। तो इससे क्या होगा, आपकी सूजन बहुत जल्दी कम होगी, आपको दर्द में भी आराम मिलेगा। नेक्स्ट क्या कर सकते, रेस्ट। प्रॉपर रेस्ट हमें देनी है, हमें चलना फिरना नहीं है, दौड़ना भागना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, हमें 2-5 दिन हमें रेस्ट करना है बिल्कुल। और क्या कर सकते हैं, गर्म पट्टी। सबने सुना होगा, सबके घर में कभी ना कभी किसी न किसी को ज़रूरत भी पड़ी होगी, हमारे पेरेंट्स को या हमें कभी ना कभी गर्म पट्टी की ज़रूरत पड़ी होगी, जिसको हम बोलते हैं क्रैप बैंडेज। क्रैप बैंडेज का क्या करना है, जो हमारा जॉइंट होता है, एंकल जॉइंट जो हमारा होता है, उसके अराउंड हमें मीडियम प्रेशर के साथ, बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं बांधना है, बहुत हल्के हाथ से उसको बांध देना है मीडियम प्रेशर के साथ। इससे क्या होगा, आपका जो जॉइंट है उस पर एक प्रेशर बना रहेगा और आपकी स्वेलिंग बढ़ेगी नहीं। नेक्स्ट क्या करना है, सोते समय अपने फुट के नीचे, अपने पंजे के नीचे 2 से 3 पिलो लगाने हैं। इससे भी आपकी सूजन क्या होगी, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी और आपको दर्द में भी आराम मिलेगा। प्रिकॉशंस की बात करें, जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, उनको एंकल सपोर्ट पहनना चाहिए। उससे क्या होगा, उनको इंजरी होने के चांसेस कम होंगे, उनको मोच आने के चांसेस कम होंगे। यह काइनेसोलॉजी टैप आती है, उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट वो सेकेंडरी ऑप्शन है। सबसे पहले हमें होगा कि हमें एंकल सपोर्ट वियर करें, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो। एक छोटी सी जानकारी थी, आई होप आपको पसंद आया होगा। एक और बात मैं बताना चाहूँगी, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि हम गर्म पानी की सिकाई नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो ताज़ा चोट होती है और जहाँ सूजन आ जाती है, वहाँ हमें गर्म पानी बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि गर्म पानी से क्या होता है, आपकी सूजन बढ़ जाएगी, ख़त्म नहीं होगी। तो हमें हमेशा आइसिंग ही यूज़ करनी होती है। जो गर्म पानी की सिकाई होती है ना, वो क्या होता है, बहुत पुराना दर्द हुआ, जोड़ों का दर्द हुआ, कोई मसल्स पेन के लिए होती है, वो चोट या सूजन के लिए कभी भी हमें गर्म पानी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।